चले आप दो मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर भी अगर तीन हो जाए तो आप चिंता नहीं करना, पांच भी हो सकती है, क्या पता है। भाई आप तो वकील हैं, पोंछा पकड़ो, उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ लेते हैं। चलिए शुक्रिया। मंच पर उपस्थित और मंच के सामने उपस्थित मेरे सभी माताएं, बहनें, बच्चे, बच्चियां, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, आप सभी को मेरा सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय भीम, गुड इवनिंग। साथियों ज्यादा नहीं, कल मैं आपके बीच में बात रखूंगा कुछ बहुत जरूरी, लेकिन आज नया साल शुरू हो रहा है। इस नए साल में आप सबको बस बधाई देने में आया हूं, तो इस नए साल में हम सभी को बहुत बहुत बधाइयां, और इस नए साल में जो हमारा आंदोलन है ये और मजबूत होगा, और जब तक हम जीतेंगे नहीं, हम बाकी सारी चीजें सोचेंगे भी नहीं, पीछे हटने की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, जब तक जीत नहीं जाएंगे इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे, इसी तरह से लड़ते रहेंगे। साथियों एक बात सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं, अनपढ़ प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री जी बड़ी जोर शोर से कहते हैं कि जो कानून वो लाए हैं बहुत बढ़िया कानून है, मैंने बार बार कहा है कि ये जरूर कहते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि कानून क्या है, और इस कानून को बनाने के लिए उन्होंने विदेशों से प्रेरणा पाई, बाहर से उन्हें जो है इस तरह की प्रेरणा मिली है कि ऐसा कानून लाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस विदेशों से कानून ये लेकर आए हैं, जिसकी तर्ज पर बनाया है, एक छोटा सा उदाहरण आप में से शायद बहुत लोगों ने सुना भी होगा ये जानकारी, और एक जानकारी मैं आपको छोटी सी दूंगा, अमेरिका में जब ये खुली व्यवस्था शुरू हुई, इसी खुली व्यवस्था में ओपन मार्केट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, यहां पे इस समय एक कंपनी काम कर रही है, दुनिया भर में कर रही है लेकिन हमारे देश में भी कर रही है, वॉलमार्ट। और वॉलमार्ट का कहना है कि आने वाले 2025 तक वो इस देश से जो खेती में चीजें पैदा होती हैं, यानी एग्रीकल्चर वाली जो हमारी फसलें हैं उनका निर्यात यानी एक्सपोर्ट 10 गुना करने जा रही है। तो आपके मन में सवाल होना चाहिए कि 10 गुना कैसे कर लेंगे यार, क्या सारा अनाज यहां का सब बाहर ही भेज देंगे, यहां भी तो खाने वाले हैं, उनको भी तो चाहिए, सारे ही भेज दो क्यों आप, 10 गुना वो करने जा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है साथियों, कि एक बाहर की कंपनी आकर यह कहती है हम 10 गुना एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, उसका बहुत सीधा सा कारण है कि सरकार ने वो सारी बाधाएं, वो सारे बैरियर हटा दिए जिनसे कोई एक सीमा से ज्यादा खरीद नहीं सकता था अनाज और खेती की उपज। तो वही एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वाला, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो सुधार या जो बदलाव सरकार ने किए हैं, ये उसी का नतीजा है कि एक विदेशी कंपनी ये कह रही है हम 10 गुना एक्सपोर्ट करेंगे। और आपको एक जानकारी और दूं कि जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनको मुनाफा कितना होता है, इसको भी आप समझने की कोशिश करें कि ये लूट कितनी गहरी है, और सरकारों को ये लूट रोकनी थी, बजाय इस लूट को रोकने के सरकारों ने इस लूट को और बढ़ावा दे दिया, ये समझना जरूरी है। तो जो हमारी जमीन में पैदा होता है तो हमसे किसान से जो उसकी फसल खरीदी जाती है उस पर 8000% से लेकर 15000% तक मुनाफा होता है, आप समझ रहे हैं, 15000%, इसका मतलब यह हो गया यानी 150 गुना, दो गुने ही नहीं, तीन गुने ही नहीं, चार या पांच गुने नहीं, 150 गुना तक सरकार उन लोगों को वो मिलता है मुनाफा जिनको सरकार ने सारी चीजें खत्म करके और मौका दे दिया कि जितना लूटना चाहते हैं लूटो। इस वॉलमार्ट का एक मिनट में एक उदाहरण आपको दूंगा, ये वॉलमार्ट कंपनी जब अमेरिका में इसे कारोबार शुरू किया
किया तो वहां पर एक डीन फूड मिल्क एक कंपनी थी, उसके साथ में इसने करार किया। उस कंपनी के साथ में जब करार किया उस दौरान 1970 में अमेरिका में 6.5 लाख दूध की डेयरियां थी, 6.5 लाख। और उसके बाद में जब ये वॉलमार्ट कंपनी आई, उसने उसके साथ में करार किया, तो कुछ समय बाद इसने अपना एक प्लांट उसी तरह का लगाया और धीरे 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 वो कंपनी बढ़ती गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2017 के अंत तक, 2017 के अंत तक यानी 1970 में शुरू किया और 2017 के अंत तक अमेरिका में जो 6.5 लाख दूध की डेयरियां थी, मात्र 40,219 डेयरियां रह गई, मात्र सिर्फ इतना, क्योंकि बाकी सबको इस कंपनी ने खत्म कर दिया, सबको ये खा गई। और इसी तरह से मोदी जी अब बाकी सारी कंपनियां जिसमें अडानी और अंबानी हैं और साथ में वॉलमार्ट और इसी तरह की दुनिया भर की जितनी कंपनियां हैं, उन सबको ये मौका दे रहे हैं इस देश को लूटने का। तो साथियों, हम किसी हालत में भी इस देश को लूटने नहीं देंगे, इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे, और चाहे हमें जो करना पड़े, मोदी जी को उनके नापाक इरादों में कभी भी कामयाब होने नहीं देंगे, किसी सूरत में भी। बस एक आखिरी बात कहके, क्योंकि समय मेरा खत्म हो गया है, कल बात करूंगा, इतनी ही बात कि जो यहां पर क्रिमिक जो भूख हड़ताल चल रही है 24 घंटे की, रिले स्ट्राइक जो चल रही है, हम भी निवेदन कर रहे हैं कि अगर हमें भी मौका मिल जाए परसों यानी संडे को, मैं और मेरे साथ में डॉक्टर विजय कुमार जी और हमारे साइंटिस्ट साथी हिजम राज सिंह साहब, हम 3 लोग 24 घंटे के लिए उस रिले स्ट्राइक में यहां आपके साथ बैठना चाहेंगे, अगर हमें अनुमति दी जाती है। तो यही घोषणा और यही बात मैं आपके कहना चाहता था। एक बार फिर से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। ऐसा तो सत श्री अकाल, बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब का। भुगतान 10,000 रुपये, मनोहर सिंह वासी दिल्ली 500 रुपया, नरपिंदर सिंह राजपुरा वासी 1,000 रुपया, परमजीत सिंह राजपुरा। पटियाला।